वही आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन, जिसके अंदर हमें सनरूफ मिल जाती है। ये पर्टिकुलर मॉडल इसका क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट रहने वाला है, जो कि इस कार का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा एंड सनरूफ जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है ऑफकोर्स, जो कि हम अंदर बैठ के देखने वाले हैं। कार के ओवरऑल सभी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन क्या क्या प्राइस रखे गए हैं, तो सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले गाइस इसके मेन हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर हमें एडास के फीचर तो नहीं मिलते हैं, बट यहां पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, LED DRLs मिल जाती हैं एंड बढ़िया से लुक्स मिल जाते हैं, सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी स्पेशियस कार रहने वाली है, डायमेंशन वाइज भी काफी अच्छी खासी बड़ी साइज में रहने वाली है, अंदर की साइड अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। बाकी अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर हमें मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेलवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो की पावर जनरेट करता है 118 BHP की एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार के माइलेज के बारे में बात करूं तो 17 से 18 के समथिंग कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज, बट ये कार हमें 20 तक का माइलेज भी देती है। बाकी अगर आप डीजल में लेते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा और ज्यादा माइलेज निकाल कर देती है। बाकी इसका इंजन बे आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रहने वाला है इसका इंजन बे। ऊपर की साइड इंसुलेशन वगैरह भी लगाई गई है, साउंड रिटेनिंग मटेरियल का यूज भी किया गया है, जिस वजह से साउंड वगैरह इतनी बाहर नहीं आती है। बाकी रिफाइंड इंजन तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ काफी हद तक स्मूथ ही रहने वाला है इसका इंजन। बाकी इसके अंदर जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है एंड यहाँ पर कोई भी नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन हटा दिया है यहाँ से। बाकी 6-speed गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर मिल जाता है, ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ भी ये कार अवेलेबल देखने को मिल जाती है एंड स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर रहने वाला है, जो कि अभी अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको। बाकी ये कार काफी ज्यादा स्पीशियस है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2498 mm का इसका व्हील बेस रहने वाला है, जिसकी वजह से अंदर की साइड अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, नी रूम लेग रूम वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 208 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, जो कि इस कार को इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाती है। भाई गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस कार के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट की साइड में सबसे पहले यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाते हैं, जो कि फंक्शनिंग में इंडिकेटर्स की प्लेसिंग भी आपको यहीं पर ही मिल जाती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दो दो एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा भी यहां पर आपको मिल जाता है। टाटा का लोगो एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है एंड ब्लैक डाउट इसका बम्फर रहने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही आती है। वाइपर यहाँ पर सिंपल वाले हैं, कोई भी एडास वगैरह का नहीं है एंड रेन सेंसिंग वाइपर वाला यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया अप्रोच है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग गाड़ी के अंदर। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ तरीके का आते हैं, साइड लुक के बारे में बात करें तो साइड में आते ही सबसे पहले यहाँ पर इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हैं। अलॉय व्हील्स का साइज रहने वाला है इसका R16 inches का, डुअल टोन में अलॉय व्हील्स हैं, जो कि चारकोल ब्लैक फिनिशिंग के साथ रहने वाले हैं। फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक हैं एंड रेयर की साइड आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको डार्क की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको क्लैडिंग्स मिल जाती हैं ब्लैक कलर की मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ। ORVMs के ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा एंड ये इंडिकेटर की प्लेसिंग हो गई एंड रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाता है, सनरूफ प्रॉपर मिल जाती है, जो कि अभी अंदर बैठ के दिखाते हैं। एंड यहाँ पर आपको गेट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल है एंड बॉडी मोल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर मिल जाती हैं। मड फ्लैप वगैरह आपको एक्सरीज में लगवाने होंगे, कंपनी फिटेड जो आते हैं वो छोटे वाले आते हैं कुछ इस तरीके, जो कि काम तो प्रॉपर करते हैं बट अगर आप लगवा लेते हैं एक्सेसरीज वाले तो ज़्यादा बेटर होगा। भाई गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूँ इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 208 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। व्हील बेस अच्छा खासा मिल जाता है, जिस वजह से अंदर की साइड अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है। अभी बात करते हैं कार के रेयर लुक के बारे में। तो पीछे की साइड में आपको कम्प्लीटली फंक्शनिंग के साथ कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर है बजाय ऊपर की साइड के। स्पॉइलर यहाँ पर काफ़ी स्पोर्टियर सा दिया हुआ है एंड वाइपर देखेंगे तो ऊपर की साइड यहाँ पर छुपा हुआ वाइपर मिल जाता है एंड स्पॉइलर के साथ यहाँ पर आपको शार्फिन एंटीना मिल जाता है एंड ओवरऑल रेयर लुक कुछ तरीके के निकल कर आते हैं इस गाड़ी के। रिफ्लेक्टर नॉन फंक्शनिंग में है, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड रेयर लुक कुछ तरीके के हैं ओवरऑल। इंटीरियर में आते हैं यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, ये कंप्लीट यहाँ तक फॉलो होते देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, यहीं से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी ये पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, डोर हैंडल वगैरह सभी कुछ है एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ ORVMs मिल जाते हैं, यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं इन्हें दोनों को ही। बाकी ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, मेनली अभी इंटीरियर के बारे में ही बात करने वाले ओनली। तो इंटीरियर में आते ही सबसे पहले इसका जो है ग्लोइंग लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है जो कि इधर की साइड दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको
ऑटोमेटिक हेडलैम्प तो मिलते ही है एंड वाइपर कंट्रोल्स इधर की साइड मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंट से भी कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एसीए कंट्रोल जो कि बिल्कुल टच में ही रहने वाले हैं, बिल्कुल टच पैनल ही रहने वाला है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पर ही आपको टेलगेट का बटन मिल जाता है, लॉक अनलॉक एंड हैजार्ड लैंप वाला बटन यहाँ पर मिल जाता है एंड ये सॉफ्ट टच मटेरियल काइंड ऑफ है जो कि हार्ड काफी लग रहा है। काफी डार्क डार्क फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है, बिल्कुल ये सिल्वर की फिनिशिंग दी गई है एक एंड यहाँ पर कम्प्लीट डार्क इंटीरियर ही रहने वाला है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यहाँ पर ज्यादा यूज किया गया है। बाकी इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर बटन प्रेस करके इसका ग्लव बॉक्स ऑन हो जाता है एंड यहाँ पर एक कूल्ड स्पेस रहने वाला है कम्प्लीटली। लैंप अंदर की साइड दिया हुआ है, ये ऊपर की साइड स्पेस दिया गया है एंड यहाँ पर ये बुकलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ये कप होल्डर वगैरह आप यहाँ पर दिए गए हैं अंदर की साइड भी, ये काफी बढ़िया बात है। बाकी एसी वेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एसी वेंट की थ्रो भी काफी अच्छे खासे रहने वाली है, ट्विटर्स मिल जाते हैं, स्पीकर यहाँ पर आपको टोटल 8 स्पीकर मिलने वाले हैं। मेनली अभी बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पर टीपीएमएस की इंडिकेशन शो हो जाती है साइड की तरफ, बीच की साइड स्पीडोमीटर शो हो जाता है, रिफ्यूल वगैरह की यहाँ पर आपको वार्निंग्स वगैरह शो हो जाती है, फ्यूल गेज आपको कम्प्लीट डिजिटल में मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग्स वगैरह शो हो जाती है। बाकी बात कर लेता हूँ इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस वाला ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कम्प्लीटली अपडेटेड रहने वाला है, 8 स्पीकर इसके अंदर रहने वाले हैं कम्प्लीटली। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है। बाकी अभी आपको 6 डिग्री कैमरा की पेसिंग दिखाता हूँ, तो कुछ तरीके का इसका व्यू आने वाला है, क्वालिटी काफी ठीक ठाक रहने वाली है, 3D एंड 2D व्यू यहाँ पर आप कम्प्लीटली देख सकते हैं, एकदम अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये कंट्रोल मिल जाते हैं एंड एयर बैग यहाँ पर आपको 6 एयर बैग मिलने वाला है, ऊपर की साइड आपको ये LED में लैंप दिया गया है, SOS वाला बटन मिल जाता है ये एंड सनरूफ वाला बटन मिल जाता है ये, जिसका व्यू काफी अच्छा आने वाला है एंड कुछ इस तरीके का पैनोरामिक व्यू आता है एंड यहाँ पर हेडरूम जो है सनरूफ की वजह से अच्छा खासा मिल जाता है एंड अंडर थाई सपोर्ट इस कार का काफी अच्छा खासा मिल जाता है, सीट्स काफी कंफर्टेबल ही रहने वाली है, लॉन्ग राइड्स पर भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका डी कट वाला रहने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, इकोनॉमी मोड मिल जाता है, सिटी मोड मिल जाता है, यहाँ पर 6-स्पीड गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी अवेलेबल है गाड़ी, तो काफी बढ़िया बात है। ये टाइप सी के सॉकेट मिल जाते हैं एंड चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है ये USB वाला। बाकी यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन के बटन मिल जाते हैं जो कि इधर की साइड दिया हुआ है, इन बटन्स के थ्रू प्रेस करके आप इसको ऑन कर सकते हैं एंड सीट्स इसकी कम्प्लीटली हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से अंदर की साइड जो आगे का भी व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी लॉन्ग राइड्स पर कोई भी दिक्कत इस गाड़ी के अंदर नहीं आने वाली है। बाकी IRVM इसका जो है ऑटो डिमिनिशन मोड वाला मिलने वाला है जो काफी बढ़िया बात है एंड काफी बड़ा सा बेजल लेस काइंड ऑफ लगता है ये। यहाँ पर आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता, फ्रंट सीट पर बस टिकट होल्डर दिया हुआ है एंड इधर की साइड आपको मिरर भी दिया हुआ है। बाकी हैंडल्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं एंड कुछ तरीके का इसका इंटीरियर काफी मतलब डार्क ही फिनिशिंग का यहाँ पर यूज किया गया है, ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाती है, आर्मरेस्ट के अंदर ये छोटा स्पेस भी दिया हुआ है जो कूल्ड स्पेस में रहने वाला है कम्प्लीटली, कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर, आप चाबी वगैरह रख सकते हैं, आर्मरेस्ट के ऊपर ही सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है जो कि काफी बढ़िया लगता है। अभी बात करते हैं कार के रियर साइड के कम्फर्ट के बारे में, तो पीछे की साइड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है यहाँ के बजाय, बाकी यहाँ पर दे तो बेटर होता। बाकी यहाँ पर ये पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर दिया हुआ है। बाकी अंदर बैठ के बात करते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीट जो है 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ मिलती है, आर्मरेस्ट यहाँ पर दी गई है ऑफकोर्स विद ट्विन कप होल्डर्स के साथ ही एंड यहाँ पर कोई भी पीछे की साइड लैंप वगैरह नहीं दिया हुआ है, लैंप आपको जो है आगे की साइड ही मिल जाता है, यहाँ पर बीच की साइड लैंप होता तो ज्यादा बेटर होता। बाकी हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 2kg का हुक मिल जाता है। बाकी कंफर्ट के बारे में बात करूं तो मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम जो है ये हम्प की वजह से ठीक ठाक बच रहा है, अगर आपकी हाइट जो है 6 फुट के समथिंग है या उससे ऊपर है तो आपको दिक्कत जरूर हो सकती है इस गाड़ी में, बाकी अगर आप नीचे को होकर बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर आप नी रूम देखेंगे तो यहाँ पर नी रूम भी अच्छा खासा मिल रहा है एंड अंडर थाई सपोर्ट तो अच्छा खासा है ही एंड लेग स्पेस वगैरह भी अच्छा खासा है, हम्प यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर बीच वाले कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बाकी यहाँ पर आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड USB केबल के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को। रेयर एसी वेंट दिए गए हैं जिनकी थ्रू भी काफी अच्छे खासे रहने वाली है, पीछे का कैबिन भी एकदम कूल रहने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो गाड़ी के अंदर मिलता ही है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है सभी कुछ। बाकी सनरूफ मिल जाती है तो वहां से आपको अच्छा खासा व्यू भी मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया बात है। बाकी गाइस अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 13-14 लाख के बजट में एक स्टाइलिश कार, एक फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार, तो ये कार आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, अच्छा खासा लुक्स मिल जाता है, इंजन के अंदर भी अच्छे खासे पावर जनरेट होते हुए देखने को मिल जाती है
डीजल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, तो ये कार आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अभी मेरे लिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर इसका ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट जब हुआ था तो वहां पर इस कार ने 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट रेटिंग को अचीव किया था। 6 एयरबैग्स इसके अंदर मिल जाते हैं, TPMS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर दी गई है, ABS विद EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, ESP मिल जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, तो सभी डिसेंट सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कार काफी हद तक सेफ ही रहने वाली है, और ऊपर से टाटा का लोहा है, देश का लोहा है, बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया रहने वाली है। बाकी थोड़ी फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी एंड थोड़ी पैनल गैप्स वगैरह पर अगर कंपनी ध्यान दे दे तो ये कार एकदम परफेक्ट कार हो सकती है आपके लिए। बाकी अगर आपके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं तो ये कार आपके लिए अभी भी बढ़िया ही रहने वाली है। तो भाइयों ये था टाटा नेक्सॉन का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अभी गाइस अगर आप कोई कार देख रहे हैं 12-13 लाख के बजट में कार जिसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाए, 3D कैमरा मिल जाए और टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन मिल जाए तो ये कार आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अभी गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएगा नेक्सॉन आपको कैसी लगती है। एंड गाइस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्ट रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।